अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बाहर हुआ है T20 वर्ल्ड कप से और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही इस बार पाकिस्तान की। फर्स्ट राउंड में हम बाहर हुए और बहुत मुश्किल से दो मैच जीते जो हम कनाडा और आयरलैंड से जीते थे। तो अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें और देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ पिछले 7-8 महीने में क्या क्या वाकयात पेश आए हैं, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाकई होना था, पाकिस्तान की क्रिकेट को डाउनफॉल आना था। सो अगर हम देखें 13 नवंबर को सबसे पहले तो मॉर्निंग मॉर्कल ने रिज़ाइन किया था एज ए फास्ट बॉलिंग कोच, और 15 नवंबर को ही बाबर आजम ने भी स्टेप डाउन कर दिया था एज ए कैप्टन, और उसके बाद 15 दिसंबर को वाइड बॉल के लिए शाहीन शाह को और शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बनाया गया, और फिर साथ ही 16 नवंबर को मोहम्मद हफीज़ को टीम का डायरेक्टर और हेड कोच लगा दिया गया, और उसके बाद अगर हम देखें 17 नवंबर को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया वहाब रियाज साहब को। चीफ सेलेक्टर बनते ही एक तो उनका NOC नहीं दिया उन्होंने हारिस रऊफ को, और उनका PCB का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया कि उन्होंने मतलब वॉयलेशन किया कॉन्ट्रैक्ट की। आगे आप सुनते जाएँ और देखते जाए कि क्या तमाशा बनाया हुआ है हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उमर गुल और सईद अजमल को अपॉइंट कर दिया जाता है फास्ट और स्पिन बॉलिंग कोचेज। इमाद वसीम साहब दिल बर्दाश्ता होकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देते हैं, और फिर सलमान बट को जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उनके साथ अपॉइंट किया जाता है एज ए मेम्बर, और 2 जनवरी को ही आवाम का प्रेशर आता है, मीडिया का प्रेशर आता है कि जी एक फिक्सर को आपने PCB में जॉब दे दी, तो 2 जनवरी को उनका वो जो डिसीजन है उनको सिलेक्टर के साथ बिठाने का वो वापस ले लिया जाता है, और 18 जनवरी को हमारे जो टीम डायरेक्टर थे मिकी आर्थर वो रिज़ाइन कर देते हैं, और फिर 19 जनवरी को PCB के जो चेयरमैन हैं जो जका अशरफ वो रिज़ाइन दे देते हैं। आप ये इवेंट्स को देखते जाएं, एक के बाद एक आ रहा है, 18, 19, 15, 16 डेट्स बड़ी रिलेट कर रही हैं इसमें, और फिर 21 जनवरी को हम अपने जो मोहम्मद हारिस हैं उनका जो BPL का NOC है वो कैंसिल कर देते हैं, और फिर 24 इधर जनवरी में अपॉइंट होते हैं शाह खावर साहब एज ए इंटरिम जो PCB के चेयरमैन, और उन्होंने आगे फिर इलेक्शन करवा के PCB के चेयरमैन सेलेक्ट करने होते हैं, और 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब PCB के चेयरमैन इलेक्ट हो जाते हैं, और उनके इलेक्ट होने के साथ ही 15 फरवरी को जो हफीज़ साहब हैं मोहम्मद हफीज़ वो पाकिस्तान के हेड कोच थे वो रिज़ाइन कर देते हैं, और साथ ही हारिस रऊफ का जो PCB का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और 6 महीने की उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है जो कि ख़त्म होनी थी 30 जून 2024 में। पाकिस्तानी क्रिकेट का तमाशा ऐसे ही चलता रहा, और 23 मार्च वाले दिन इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली, और 24 मार्च को हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बहाल किया गया कि जी हमारे से गलती हो गई थी, मिस जजमेंट हो गई थी। इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेने के एक दिन बाद ही 24 मार्च को मोहम्मद आमिर भी अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं, और फिर 31 मार्च को बाबर आजम को पाकिस्तान की वाइड बॉल का कैप्टन डिक्लेयर किया जाता है, और 5 अप्रैल को उस्मान खान पे 5 साल की पाबंदी लगा देता है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं किया, ब्रीच किया, और उन्होंने पाकिस्तान से खेलने की ख्वाहिश जाहिर की, और 25 मई को खबर आती है कि शाहीन शाह अफरीदी को पहले एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाया गया, और उसके बाद उनको वाइस कैप्टनसी ऑफर की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, और इस सारे सिनेरियो में गैरी कस्टल भी पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करते हैं एज ए न्यू हेड कोच, और न्यू कोचेस की मैनेजमेंट आती है, और फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता है। 14 जून को पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले राउंड में USA और इंडिया से जीते हुए मैच हार के, और आयरलैंड और कनाडा से तरस तरस के जीत के वर्ल्ड कप से आउट हो जाता है फर्स्ट राउंड में। ये वो टीम थी जो 2021 के सेमीफाइनलिस्ट थी, फिर एशिया कप की फाइनलिस्ट थी, और फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी, और यही हाल होता है किसी भी डिपार्टमेंट का जब वहाँ पे ऐसे तजर्बे किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात आप सबके सामने हैं, और हमारी टीम ने अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होना है, उम्मीद कोई नहीं है, सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा कोई सर्जरी और पोस्टमार्टम होने लगा पाकिस्तानी टीम का, और जो ग्रुपिंग है उन सबको ख़त्म किया जाएगा और दोबारा से एक ड्रीम टीम बनाई जाएगी, मगर ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बातें बहुत होती हैं मगर अमल दरामद कुछ नहीं होता। सो ये था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पिछले 7 से 8 महीने का तमाशा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम इन सब से सीख कर
आगे बढ़ेगी और मॉडर्न डे क्रिकेट की नीड्स को मीट करेगी और मेरिट पे सिलेक्शन करेगी। सो दिस इज इट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।